हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये कॉटन का इनर है जिसको हमने कलीदार काट के स्टिच कर लिया है। आपका कॉटन लाइनिंग और ये साटन वाली और ये मिनफिगरी, ये इनको तीनों को पकड़ के हमने यहाँ पे तीनों को पकड़ के एक हमने सिलाई लगा ली है, जिस यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, फिर हम इसको साइड से यहाँ से सिलाई देंगे। तो इसको तीनों को एक साथ सिलने से ये फायदा होता है कि हमें बेल्ट लगाने में काफ़ी इजी हो जाता है। हमने इसकी बेल्ट तैयार की है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने पहले मेन फैब्रिक, फिर साटन वाला फैब्रिक और फिर उसके बाद कॉटन फैब्रिक, तीनों को एक साथ लेकर इसको हमने एक 4 इंच की हमने इसकी बेल्ट ली है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको हम कट कर देंगे। 4 इंच चौड़ी और जितनी कमर है उससे बेल्ट ली है, क्योंकि हम इसमें जितनी हमारी कमर है, स्कर्ट का जितना हमारा घेरा है, हमने उतनी लंबाई ली है। इस लंबाई में आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक डालेंगे, बच्चे को काफ़ी इजी रहता है। तो हमने देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसको अटैच यहाँ से हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने अटैच कर दिया। अब हम इसको इतना यहाँ से फोल्ड करेंगे और हमारी जो सिलाई होगी वो जो पहले वाली सिलाई को कवर करते हुए सिलाई आएगी। इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। और अगर आप इलास्टिक ना डालना चाहें तो आप ऐसे ही नेफा मोड़ने के बाद आप डोरी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको बेल्ट लगाने तो आप पूरे में बेल्ट लगा के लास्ट में हुक लगा सकते हैं। हम इसमें पूरे में हाफ में बेल्ट और हाफ में इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए, जो हमारी कमर थी वो थी हमारी 25 इंच कमर है, तो उसमें से हमने हाफ इंच मतलब 12.5 इंच, हमने 12.5 इंच की तो हमने बुकरम ले ली है, और हमने 12.5 में से 3 इंच कम करके हमने इलास्टिक लिए, क्योंकि जब ये स्ट्रेच होगी, जब ये खींचेगी तो प्रॉपर साइज में आ जाएगी। और हमने उन दोनों को यहाँ पे एक साथ मिला के अटैच कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसको अटैच यहाँ से हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने अटैच कर दिया। अब हम इसको इतना यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लाके इस तरीके से सिल देंगे, और हमारी जो सिलाई होगी वो जो पहले वाली सिलाई को कवर करते हुए सिलाई आएगी। इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। और अगर आप इलास्टिक ना डालना चाहें तो आप ऐसे ही नेफा मोड़ने के बाद आप डोरी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको बेल्ट लगाने तो आप पूरे में बेल्ट लगा के लास्ट में हुक लगा सकते हैं। हम इसमें पूरे में हाफ में बेल्ट और हाफ में इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने लहंगे के जो सेंटर पॉइंट था, हमने जो हमारा इलास्टिक और बुकरम का जो जॉइंट था, हमने उस पे इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। देखिए, अब ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब इतना ही हम मोड़ते चले जाएंगे तो हमारा आधा बेल्ट हो जाएगा और आधा इलास्टिक हो जाएगी, तो इससे हमारा परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। सिलाई को कवर करते हुए इसके ऊपर ऐसे रखते हुए हम ऐसे सिलाई करेंगे। इलास्टिक को भी ऐसे ही हम करते हुए लगाएंगे, और ध्यान रखें कि ये दबे ना, क्योंकि फिर ये स्ट्रेच नहीं होगा, इसलिए हमेशा थोड़ा सा हटाते हुए हम इसको लगाएंगे, ऐसे खींच लेंगे। तो ये यहाँ आ गई है और हम इसको कंप्लीट करते हुए खत्म करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पक्का कर देंगे जिससे ये इलास्टिक यहाँ से। ये हमारी इतने में हो गई हमारी इलास्टिक और इतने में हो गई हमारी बेल्ट हो गई, और यहाँ से हमारी इलास्टिक हो गई है। देखिए कितना आसान था। अब हम इसी इलास्टिक को पकड़ के एक सिलाई बीच में सेंटर में और देंगे जिससे ये बिल्कुल मिलेंगे। इनको इस तरीके से फोल्ड करके, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, यहाँ से कम 3 इंच तक फोल्ड किया है इसको, और फिर हमने इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगाई है यहाँ से। फिर हमने इसको पकड़ के हमने फिर सिलाई लगाई। हमने तीनों पार्ट्स को अलग अलग अटैच किया है इस तरीके से।
देखिए इस तरीके से एक ये हो गया और एज इट इज अब ये हो गया। तो हमने तीनों पार्ट्स को बिल्कुल अलग अलग करके सिलाई लगा के हमने तीनों यहाँ पे हुक, हम हुक या चिट बटन या हम यहाँ लगा सकते हैं, तो थोड़ा ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, और अगर लगे तो हम एक हुक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से बन गया। अब हम इस तरीके से बनने के बाद अब हम नीचे से अगर आपको कोई लेस लगानी है तो आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पीको भी करा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके पतला पतला मोड़ दें और इसको भी और नीचे वाले इनर को भी। बस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।